नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। आप सभी को पता है कि ASO, GSA और पटवारी, नायब तहसीलदार, आपकी काफ़ी डिपेंड पोस्ट पर आप सभी को पता है इसकी पोस्ट निकली हुई है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म इसको पैसे कैसे फॉर्म अपना भर पाओगे, या फिर आप लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भर रहे हो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से, या फिर कैसे भी आप लोग अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे कर पाओगे। तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे आप लोग आसानी से अपने फॉर्म को फिलअप कर पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप लोग अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो उससे पहले आपको क्या करना है कि नोटिफिकेशन मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर रखा है, इस नोटिफिकेशन को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग अपना यानी कि फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं, देखिए हमारे टेलीग्राम पे मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे DDA न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023। आप इस पर क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि आपको अपना फॉर्म जो है कैसे भरना होगा, ठीक है। आपको फॉर्म भरने के लिए आपको करना कुछ नहीं, देखिए डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई के नाम से एक लिंक मिलेगा पहले नंबर पर, उस नंबर पर आप लोग क्लिक करोगे लिंक पर, इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आ जाएगा जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने तो रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो आपको सिंपली यहां पे एक ऑप्शन मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन का, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको ये अच्छे से रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, इस रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आ जाएगा। थोड़ा देखिए सर्चिंग ले सकता है, देखिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, इस तरीके से ऑप्शन आप सभी के सामने आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। और अपना मोबाइल चाहें तो आप डेस्कटॉप मोड पर कर सकते हैं या फिर आप लैंडस्केप मोड पर कर सकते हैं, मतलब मोबाइल को घुमा के रखना होगा, ठीक है, जिससे कि आपका फॉर्म आराम से भर जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन में भर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पोस्ट का नेम आएगा, पोस्ट नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट का नाम आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ASO पोस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है, जो भी फॉर्म भरता है उस कैंडिडेट का नाम डालना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट का जो है मोबाइल नंबर आप लोगों का जो भी मोबाइल नंबर है वो इस कॉलम में डालेंगे, देन मोबाइल नंबर फिर से आपको कन्फर्म करना होगा, दोबारा से आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी होगी, जो कि आपके ईमेल आईडी पे OTP वगैरह जाएंगे, तो ये दोनों बार आपको ईमेल अपनी डालनी है। देन ये डालने के बाद आपको यानी कि जनरेट OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। OTP पे आपको एक OTP आएगा, जो कि मैं आप सभी को आपको दिखा देता हूँ कैसे OTP आएगा। दोस्तों आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये कैप्चा कोड का आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, और इस कैप्चा कोड को आपको फिलअप करना है इस कॉलम में, देन सबमिट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नंबर पे OTP आएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे डाल लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल लिया है, देन वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। अगर OTP पहली बार में नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि आपको रिसेंट पे क्लिक कर देना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है OTP हमारा। देन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको इस कॉलम में फिलअप करना होगा। देन आपको यहाँ पे एक नीचे आपको यानी कि एक ऑप्शन मिलता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन का यानी कि रीवेरीफाई का, तो आपको रीवेरीफाई यहाँ पे कर लेना है, ठीक है भाई। तो चलिए हम इसको फिलअप करते हैं, देन आप सभी के सामने आते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैप्चा कोड आई एग्री पे क्लिक कर लिया, उसके बाद एक नीचे आपको इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, आपको सभी पे टिक कर देना है। देन आप जैसे इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको प्राइवेसी की वजह से मैं उसको हाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सभी ऑप्शन पर टिक कर लिया, उसके बाद एक सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा उसके बाद कन्फर्म का एक एग्री का ऑप्शन मिलेगा, आपको एग्री पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग मॉडिफाई करना चाहते तो उस कंडीशन में आप लोग वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आपका हो जाएगा, देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए गो टू दी एप्लीकेशन का एक नंबर आपको टैब मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए मोबाइल फ़ोन में अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मोबाइल फ़ोन लैंडस्केप मोड में कर लेना है, ठीक है, जिससे कि सभी ऑप्शन आपके मोबाइल फ़ोन में खुलते रहें, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, इस तरीके से लोडिंग आप सभी के फ़ोन में लेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी लोडिंग ले रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका यानी कि स्लो भी चल सकता है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। अभी अभी फॉर्म अप्लाई इन्होंने स्टार्ट हुए हैं, देन आपको यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से अपनी फॉर्म जो है आपको 4-5 स्टेप में फॉर्म फिलअप करना है। पहला स्टेप होगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, जो कि आप फिलअप कर सके, कम्युनिकेशन एड्रेस का, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का, और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का, ठीक है। इस स्टेप में आपको फॉर्म जो अपना भरना होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल आपकी भरी हुई है, यहाँ पे आपको अपना जेंडर जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है अपना कैलेंडर से जाके अपना चूज कर लेनी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं अपने डेट ऑफ बर्थ जो आपके आप सभी के सामने सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है।
उसके बाद देखिए इंडियन है आपका, इंडियन है तो इंडियन पे आप लोग क्लिक करेंगे इस तरीके से। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपका कैटेगरी जो भी आता है वो अपना कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए जो भी आपकी कैटेगरी है तो आप उस कैटेगरी को अपना सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और सर्टिफिकेट अगर आपका रिजर्वेशन का डालते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। देन आपको उस पर जो डेट पड़ी होती है वो डेट भी आपको डालनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम डालना है इस कॉलम में। ठीक है, मदर्स नेम डालना होगा इस कॉलम में। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना होगा। ठीक है, मैरिटल स्टेटस में मैरिड है अनमैरिड है तो ये डिटेल आप लोग डालेंगे। अपना रिलीजन डालेंगे आपका जो भी यानी कि रिलीजन है आपका। ठीक है, वो आप लोग डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह ऑलरेडी फिल हुआ आएगा। यहाँ पे देखिए आपका सिटी प्रेफरेंस के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपको सिटी दिल्ली एनसीआर में ही आप लोग अपना एक ही ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आर यू फिजिकल यानी कि पीएचसी अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर आप यस हैं तो उसका आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप लोग एक्स सर्विस मैन तो यस करिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं तो नो पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग यस करेंगे तो उसमें आपको डिटेल देनी पड़ेगी। और ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेवन नेक्स्ट का, तो आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं डिटेल को फिलअप करने के बाद आप सभी के सामने आता हूँ। दोस्तों डिटेल को अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। जब आप लोग सेव पे क्लिक करोगे तो आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, देन सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस जो भी है अपना एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस कॉलम में आप लोग अपना एड्रेस अपना अच्छी तरह से फिलअप करेंगे। जहाँ पे देखिए स्टार लगे हुए हैं इसमें आपको मैंडेटरी है डिटेल को अपना फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद एक कंट्री का ऑप्शन आपको दिखता है, तो आप लोग यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग नेपाल भूटान से हैं तो उस कंडीशन में आप लोग अलग अदर से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको स्टेट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको अपना जो भी स्टेट है अपना स्टेट इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो मैं यूपी अपना सेलेक्ट कर लेना हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूपी आ चुका है नीचे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, या फिर लोग आप लोग सर्च का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद आपको अपना पिन कोड डालना होगा। उसके बाद आपको यानी कि एक परमानेंट एड्रेस होता है, करेस्पॉन्डेंट एड्रेस होता है। करेस्पॉन्डेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आपका पत्राचार जो सर्टिफिकेट मतलब आपका एड्रेस है वो आप लोग को अपना डालना होगा। ठीक है, अगर आप लोग अलग अलग कहीं रहते हैं तो उस कंडीशन में दोनों जगह आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। अगर आपका दोनों जगह सेम एड्रेस है तो सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग यस पे क्लिक कर दोगे तो आपको दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑलरेडी आपका डाटा जो सेव होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना है। ठीक है भाई, तो चलिए हम फिर से आप सभी के सामने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग अपने एड्रेस को कंप्लीट तरीके से फिलअप कर लोगे उसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा आपके सामने, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिकुलेशन यानी टेंथ की डिटेल आपको डालनी है। टेंथ में आपने किस बोर्ड से अपना पास किया है उस बोर्ड का नाम डालना है। देन आपको पासिंग ईयर डालनी है, जिस भी ईयर में आपने टेंथ क्लास पास किया है वो ईयर आपको यहाँ पे डालनी होगी सेलेक्ट करके इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट का यहाँ पे अपना नाम डालना है जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया है। ठीक है, उसके बाद आपका यानी कि जो भी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज सेलेक्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि आपका परसेंटेज सिस्टम है या सीजीपी। अगर आपका सीजीपी सिस्टम है तो सीजीपी सेलेक्ट करेंगे, और परसेंटेज है तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है ऑप्टेन मार्क्स का, तो आपके कितने में से यानी कि मैक्सिमम मार्क्स होता है कि टोटल मार्क्स कितने, और मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है कि आपके कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, तो उसमें आपको फिलअप करना है। देन आपको परसेंटेज जो है आपकी ऑलरेडी यहाँ पे फिल हुई आ जाती है जब आप लोग अपने मार्क्स को फिलअप करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नीचे आपको ट्वेल्थ की डिटेल का एक एड्रेस आपको यानी कि ट्वेल्थ की डिटेल का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पे अपना ट्वेल्थ की डिटेल फिलअप करनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको सेम वही आपको बोर्ड का नाम डालना है, पासिंग ईयर डालनी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालना है, और आपका जो भी अपना परसेंटेज सीजीपी है टोटल मार्क्स कितने और आपका ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं। इसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन का डालना है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रेजुएशन का है। सेम आपको स्ट्रीम आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, बैचलर डिग्री में आपको क्या कर रखा है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको यहाँ पे डालना है। देन आपको डालने के बाद क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालना है सेम उसी तरीके से। ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपका सब्जेक्ट क्या था वो अपना सब्जेक्ट आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, फिल भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपका जो भी आपका मार्क्स वगैरह है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मंथ एंड ईयरिंग पासिंग ऑफ ईयर आपको जो भी मंथ और ईयर है वो आपका रिजल्ट जब भी रिजल्ट आया है वो यहाँ पे आपको एक कैलेंडर में आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट को आपका रिजल्ट आया हो। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्टेन मार्क्स कितने और टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे ये सब डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। अगर आप लोग एडिशनल कुछ भी फिलअप करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ के आगे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेवन नेक्स्ट का, इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है भाई,
उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑप्शन आप सभी के सामने दिखाई देता है, यहाँ पे कंप्यूटर के लिए बोलता है, तो ऐसे ऑप्शन पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, उसके बाद सक्सेसफुल हो गया। अब हमको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब एक लास्ट ऑप्शन आपको सामने आता है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेने हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है, जैसे कि मैं आपको व्यू यानी कि क्लिक यानी कि टू अपलोड पे क्लिक करूँगा, तो इस फोटोग्राफ का साइज़ वगैरह आपको जो यहाँ पे दे रखा है इसी फाइल में फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ का साइज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर यानी कि ड्रॉप या हेयर पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको फाइल में आपका ले जाएगा जहाँ भी आपकी फाइल्स होंगी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जहाँ भी फाइल है वहाँ पर आपका ले जा रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फोटो है हम उस फोटो को इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये फोटो अपना सेलेक्ट हो चुका है, इस तरीके से हम क्लोज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कुछ टाइम बाद ही आपका दिखा भी देगा कि हाँ अपलोड हो चुका है, ठीक है। अगर आपका होगा तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाता है, नहीं तो ये रेड हो जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका अपलोड हो गया है, तो यहाँ पे आपको टिक भी दिखा देगा इस तरीके से, यहाँ पे ये टिक हो गया है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर लोगे तो इसी तरीके से यहाँ पर अपना जो साइज दे रखा है उस साइज में आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी साइज पहले से बना रखा था, आप भी पहले से बना के रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करके देन आप सभी के सामने आता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपना फिलअप कर लेना है यहाँ पे, यानी कि अपलोड कर देना है। जैसे आप लोग अपलोड कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, यहाँ पे आपको यानी कि डिक्लेरेशन के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देना है, इन सभी पे टिक कर देना है इस तरीके से इनको पढ़ने के बाद, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद जैसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी को अपना आई एग्री कर लेना है। उसके बाद एक आपको यहाँ पे टैब मिलेगा इस तरीके से, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कैप्चा कोड, इस कैप्चा कोड को आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो उसके बाद अपना डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है, कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको ये लगता है तो उसको बैक बटन पे क्लिक करके आप लोग उसको सही भी कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिए मैं ये डिटेल को प्रीव्यू करके आप सभी के सामने दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ दिखा देगा, और नीचे आपको अपना प्रीव्यू क्लिक करने के बाद आपको सही लगता है तो आपको उसको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम भी क्रॉस या ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं फाइनल सबमिट का, आपको अपना फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। देखिए उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, अगर आप लोग एस सी एस टी से कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, एस सी एस टी से आते हैं या फिर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पे पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म डायरेक्टली आपका सबमिट हो जाएगा और उसका प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है भाई। यानी कि जैसे आप लोग सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका प्रिंट निकल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं और आप लोग यू आर ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस से बिलोंग करते हैं, ओ बी सी और आप लोग ई डब्ल्यू एस से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो आपका पेमेंट है 1000 रुपये वो आपको अपना पेमेंट करना पड़ेगा, देन आपको सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना था जैसे कि मैं आपको दिखा दी था, ठीक है। अभी मैं आपको सबमिट पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद आगे पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फॉर्म यहाँ पे मैंने ये सबमिट कर दिया है कैंडिडेट का, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर देना है, फॉर्म आपका भर चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो डायरेक्टली आपको कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा, और अगर आप लोग प्रिंट इस तरीके से लेना चाहते तो प्रिंट भी इसी तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और आपका प्रिंट आपका निकल जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना था, इस जो कि मैंने आप सभी को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट तरीके से फोन से भी कैसे भरते हैं और साथ ही या लैपटॉप या कंप्यूटर से भी भरेंगे तो भी आप इसी तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। आई होप आप सभी के लिए मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सच में वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।